हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर फोटो के साथ में MP3 सॉन्ग कैसे लगा सकते हो बिल्कुल इस तरह से। जी हाँ दोस्तों काफ़ी सारे लोग अपने फ़ोटो पर MP3 सॉन्ग लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कैसे लगाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी फोटो पर MP3 सॉन्ग म्यूजिक को लगा सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप में ऑफिशियली ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जिससे कि आप आपके फोटो पर MP3 सॉन्ग लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करना होगा जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सर डाउनलोड तो कर सकते हो लेकिन अब उसे यूज कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का रहने वाला है। और ऐसे ही कमाल के वीडियोज मेरी तरफ से हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आप कभी भी कोई भी मेरा वीडियो मिस ना कर सको। मेरा नाम हरीश है और मेरे चैनल का नाम है मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों जिस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था उस एप्लीकेशन का नाम है एम्बिट। और बिल्कुल आप प्ले स्टोर में जाकर भी सर्च करोगे एम्बिट एप्लीकेशन तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की आप रेटिंग देख सकते हो 4.5 है, 32 MB का ही एप्लीकेशन है और 10 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया होगा तो डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब मैं भी डाउनलोड कर देता हूँ, मैं इंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो से ये इंस्टॉल भी हो जाएगा मेरे मोबाइल में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बिट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं मान के चलता हूँ आपने भी इसे इंस्टॉल कर लिया है, तो ओपन कर लीजिए। जैसे आप ओपन करोगे एप्लीकेशन को अब आपके सामने ये एप्लीकेशन खुल जाएगा और यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा तो आप अलाउ कर लीजिए। तो सो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन में आपको कुछ एड्स देखने के लिए मिल जाएगी तो आप उन्हें अवॉइड कर लीजिए और इस एप्लीकेशन को यूज कर लीजिए। और जैसे आप यहाँ पर परमिशन को अलाउ करोगे तो आपके सामने बिल्कुल इस तरह की मेन स्क्रीन आ जाएगी इस एप्लीकेशन की। तो अब यहाँ पर आपको फोटो के साथ में म्यूजिक ऐड करना है तो इसके लिए आप नीचे की तरफ प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपके मोबाइल में जितने भी फोटोज हैं सारे कुछ नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ अलग अलग ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे जैसे कि कैमरा है, व्हाट्सअप इमेजेस है, यहाँ पर व्हाट्सअप स्टेटस है, बहुत सारे जो भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन भी होंगे उनके भी इमेजेस यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं व्हाट्सअप इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, नीचे सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपको राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ये फोटो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जितना भी लगाना चाहते हैं आप इसे क्रॉप कर लेना और डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी फिल्टर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको म्यूजिक लगानी है तो नीचे आपको ऐड म्यूजिक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड म्यूजिक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर जितने भी म्यूजिक इस एप्लीकेशन में है सारे कुछ नजर आ जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी म्यूजिक आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप म्यूजिक के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर ये म्यूजिक डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप आपके फोन स्टोरेज से म्यूजिक को यूज करना चाहते हो तो नीचे आपको सिलेक्ट फ्रॉम फोन स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके से म्यूजिक को ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं फोन स्टोरेज से इस म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पर यूज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये म्यूजिक ऐड हो चुकी है, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर प्ले करके बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये म्यूजिक ऐड हो चुकी है। तो सो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक लोगो भी दिखाई दिया जाएगा इस एप्लीकेशन का। तो अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो इस लोगो के ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे आप वॉच वीडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तो इसे पूरी तरह से प्ले होने दीजिए, तभी ये एप्लीकेशन का लोगो आपके फोटो से हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट खत्म हो चुकी है, मैं इसे बंद कर देता हूँ और अब नीचे आपको सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं ऊपर का ही नॉर्मल रहने देता हूँ। जैसे मैंने नॉर्मल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर अब ये सेव होना स्टार्ट हो चुका है और अब ये आपको बिल्कुल आपके मोबाइल के फ़ोन गैलरी में मिल जाएगा।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ये सेव हो चुका है। तो अब हम दोबारा जाते हैं अपने व्हाट्सएप में। जैसे आप व्हाट्सएप में आओगे आपके सामने इस तरह की ही मेन स्क्रीन नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर आप स्टेटस के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर आपको स्टेटस को चेंज करना है तो नीचे आप कैमरा के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप कैमरा के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे बिल्कुल अब आपको नीचे की तरफ फ़ोन गैलरी में जितने भी फोटोज़ और वीडियोज़ होंगे सारा कुछ नीचे की तरफ नज़र आ जाएंगे। तो अब मैं बिल्कुल उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मैंने अभी आपके सामने बनाया है म्यूजिक के साथ में। जैसे कि आप देख सकते हो ये फोटो आ चुका है यहाँ पर। अब इसे आपको व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है तो नीचे के आपको सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा सेंडिंग स्टेटस अपडेट और यहाँ पर बिल्कुल ये स्टेटस लग चुका है। अब यहाँ पर मैं प्ले करके बता देता हूँ कि फोटो के साथ में म्यूजिक ऐड हुई है कि नहीं मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल फोटो के साथ में म्यूजिक भी प्ले हो रही है। जी हाँ दोस्तों तो इस तरह से आप बड़े आसानी से आप फोटो के साथ में MP3 सॉन्ग म्यूजिक को आपके व्हाट्सएप स्टेटस में ऐड कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको इस वीडियो में सारी कुछ बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे वीडियोज़ आपके लिए रोजाना लेके आता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।